आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली की हालत कैसी है फिलहाल में। हाँ। सांस लेने में अभी भी प्रॉब्लम तो हो रही है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे पटाखे नहीं जलाने के लिए। आ तो पब्लिक काम हान दिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया है कि नहीं पटाखे नहीं जलाने हैं दीपावली पे, फिर भी यहाँ देखिए नियम कानून का कोई फॉलो नहीं करने वाला है। हाँ। यहाँ पर लोग रात में 2-2 बजे तक पटाखे चला रहे हैं। केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट और भी अगर अच्छे से कानून का पालन नहीं करवा पाएगी तो ये अभी और बढ़ने के चांसेस है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी शाम के 6 बजे हैं लेकिन नज़ारा आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर धुंध छा चुका है। दिल्ली में है, दिल्ली गेट में पर मौजूद हैं और आपको प्रदूषण दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का कोहराम मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में ये आदेश दिए गए थे कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, लेकिन दिवाली पर जिस तरीके से पटाखे जलाए गए, आपको बता दें कि प्रदूषण के बाद मतलब प्रकृति ने सहायता करते हुए राहत दी थी, बारिश हुई उसके बाद प्रदूषण खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद दिवाली आया और दिवाली में इस हद तक बम पटाखे उड़ाए गए कि अब दिवाली का हाल फिर से वही दमघोटू हवा हो गई है, जिससे सांस लेकर लोग मरने को मजबूर हैं। दमा अस्थमा वाले लोगों का क्या हाल है ये आपको देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रदूषण है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे पटाखे नहीं जलाने के लिए। हाँ तो पब्लिक काम हान दिए थी, अभी लागू हुआ है क्योंकि कोई भी कानून लागू करने में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पराली जलाने से जो है धुंध हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो पराली जलाना बंद करो, खेती बंद करो, लेकिन पटाखे जल रहे हैं बराबर। पटाखे तो इतने अब की बार इतने नहीं जले जी, इतने नहीं जले हैं। क्या कहेंगे सर, प्रदूषण क्यों है दिल्ली में? दिल्ली में मैम प्रदूषण इसीलिए क्योंकि यहाँ सरकार की बिल्कुल समझ लीजिए कि रूल रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल फेल होता नजर आ रहा है सरकार का यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया है कि नहीं पटाखे नहीं जलाने हैं दीपावली पे, फिर भी यहाँ देखिए नियम कानून का कोई फॉलो नहीं करने वाला है। हाँ। यहाँ पर लोग रात में 2-2 बजे तक पटाखे चला रहे हैं, मतलब अभी तक कहीं कहीं से आवाज़ें आ रही है बम के। अभी तो मतलब आज सुबह तक आ रही थी लेकिन हाँ। अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली की हालत कैसी है फिलहाल में। हाँ। सांस लेने में अभी भी प्रॉब्लम तो हो रही है लोगों को, लेकिन पहले से जो इसके 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई है दिल्ली में, समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा राहत दे के गई है, नहीं हाँ। तो आज दिल्ली गैस चैम्बर बनने में बिल्कुल पीछे नहीं रहा होता, दीपावली के बाद बता रहे हैं राहत। माना जा रहा है कि वो बारिश थी, नेचर ने आप पे दया दिखाई, उन्होंने बारिश हुई तो प्रदूषण खत्म हो गया, लेकिन ये जो पटाखों की आवाज़ है, पटाखे जलाने से वो प्रदूषण फिर से आ गया, उस हद तक नहीं आया है लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि प्रदूषण फिर से आ गया है। बिल्कुल मैम, ये अभी और अगर लापरवाही बरती जाएगी इस पे, अगर केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट और भी अगर अच्छे से कानून का पालन नहीं करवा पाएगी तो ये अभी और बढ़ने के चांसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने सोचिए हाल में फिलहाल में अभी दशहरा का त्यौहार चल रहा था, उसमें NGT ने सीधे सीधे आदेश दिया था कि यमुना में मूर्ति नहीं विसर्जन करनी है, लेकिन लोगों ने देखिए कोई माना, किसी ने फॉलो किया रूल को, नहीं फॉलो किया, लोगों ने यमुना में इतनी मूर्तियां बहाई, उसके साथ साथ इतने जो भी सामग्रियां होती है वो भी फूल माले सब बहाने की कोशिश की है। हाँ। यानी कि दिल्ली के लोग जो है कि क्यों नहीं सोच रहे हैं अपने हित के बारे में, मतलब कि त्यौहार हो गया तो इसका मतलब पटाखे जला के पूरा पॉल्यूशन खराब करते हैं। यहाँ के हाथ किसका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है नहीं जलाना, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए था। बिल्कुल, सरकार की नाकामी तो है ही है, सरकार या सरकार की जो हम पुलिस कह सकते हैं दिल्ली में, जो खास करके बताएं दिल्ली में जो समझ लीजिए कि जो सेना है या पुलिस है वो तो केंद्र सरकार की है, तो इसमें जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार आरोप लगा रही है हरियाणा पंजाब वालों की कि वहाँ पर पराली जल रहे हैं इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए वहाँ पर उसका कितना रोल है, 20% 22%, इससे ज़्यादा कुछ भी रोल नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा के रूप में देखा जा रहा है उसको, कि नहीं यहाँ की राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है कि नहीं उस पराली का रोल है, पराली जला रहे हैं लोग, नहीं अगर वहीं BJP की सरकार रहती तो ये बिल्कुल 1% भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहता कि नहीं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसका बहुत कम रोल है, ठीक ना। ये मेन तो मैं कहूँगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के लोग आदेशों का पालन, जो जिन्हें सांस की बीमारी है। हाँ। उनके लिए क्या माहौल बना हुआ है,
देखिए, जिनको सांस की बीमारी है वो तो घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं अभी भी। भले से थोड़ी सी राहत हुई है दिल्ली में बारिश होने की वजह से, लेकिन अभी उतनी राहत हम नहीं कह सकते हैं कि जिसमें कोई आदमी सुकून से रह ले। तो यही कह सकते हैं कि प्रकृति ने राहत दी लेकिन हमने उस राहत को भी ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, प्रकृति ने राहत दी है, हम लोग और लापरवाही बरतते जा रहे हैं। अभी आने वाले अभी हमको लगता है कि दिल्ली में तो वैसे छठ पूजा नहीं मनाई जाती, लेकिन कहीं कहीं शायद यमुना नदी के किनारे मनाई भी जाती है, उस पर भी पटाखे फोड़े जाते हैं। हाँ। उस पर भी लोग लापरवाही बरतते हैं। तो अभी प्रदूषण और बढ़ने वाला है। अभी बढ़ने के चांसेस है मैम, अभी प्रदूषण बढ़ने के चांसेस है। इसको कम मत समझिएगा, लापरवाही अगर बरतेंगे लोग प्रदूषण बढ़ेगा। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार, बीजेपी सरकार चाहे केजरीवाल की सरकार हो, दोनों ही अपनी राजनीति के चक्कर में प्रदूषण को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सरकार कैसे छूट दे रखा है पटाखों के? छूट तो दे ही रखा है। एक दूसरी तरफ होता है ना कि हम कहते हैं छूट दें, लेकिन ये थोड़ी होता है कि इतना छूट दे दें कि कोई भी अपनी मनमानी कर ले। कि एकदम लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, सरकार तो हमारी बैठी है, क्या सरकार करेगी, हम कुछ भी करें हमारी मर्जी। दिल्ली मतलब सोच रहे हैं कि लोग कि केंद्र में हमारी सरकार है, हम कुछ भी करें, कोई मतलब हमको कोई बोलने वाला नहीं है। और सही में कोई बोल कहाँ रहा है उन लोगों को? कोई पटाखे किसी ने कोई कार्रवाई की है? कोई किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूरी धज्जियाँ उड़ी है, लेकिन कोई एक केस बता दीजिए कि नहीं कहीं पकड़ा गया हो, कोई पकड़ा गया, किसी को पकड़ के रखा गया हो कि भाई आप क्यों पटाखे फोड़ रहे हैं इलीगल रूप से, अवैधानिक रूप से? किसी ने कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चेतना सुप्रीम कोर्ट या फिर बीजेपी की सरकार नहीं जगा पाएगी, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर तौर पर देख पा रहे होंगे जो है धुंध उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन धुंध है, और जो धुंध दिख रही है वो पोल्यूशन ही है। लोग कह रहे हैं कि ये तो ठंड के कारण शाम हुई है इसलिए हो रही है। नहीं, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है कि धुंध हो, और शाम के 6 बजे हैं अभी, और इतनी बड़ी, इतना जो दिख रहा है आपको धुंध, ये पोल्यूशन है, और सब दिवाली के पटाखों के ये करामात है कि आज दिल्ली फिर से धुंध में जा चुकी है, दम घोटू हवाएं फिर बन चुकी हैं, और आने वाले समय में अभी फिर पटाखे जलेंगे और फिर ये प्रदूषण बढ़ता जाएगा। सोचिए जिनकी सांस की बीमारी है वो किस तरीके से सांस ले रहे हैं इस दिल्ली में, उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। फेस्टिवल के नाम पर लोगों के लिए मौत का कुआं बनाया जा रहा है, लोग सांस लेने को मजबूर हैं, सांस जिनको सांस की बीमारी है वो कैसे जी रहे हैं? क्या त्यौहार से फेस्टिवल धर्म देख के बीमारी होती है? क्या धर्म देख कर बीमारी आएगी और जाएगी? तो इस ये सोचना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया था पटाखों के लिए, पराली जलाने के लिए जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट हो रही है और सरकारों पर निशाने साध रही है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि प्रदूषण बढ़ रहा है जिस पराली से, वो पराली ना जले, खेती ना हो धान की चावल की, ताकि पराली नहीं जले तो प्रदूषण रुक जाएगा। लेकिन इन पटाखों वाले जो प्रदूषण है उसका क्या करेंगे? और ये सोचता क्यों नहीं कोई कि सांस, जिनको सांस की बीमारी है, जिनको आवाज़ से दिक्कत होता है, वो कहाँ जाएंगे इन दिवाली में, इन फेस्टिवल पे जब इतना शोर मचाया जाता है और धुआं धुआं पूरा शहर कर दिया जाता है। जिस तरीके से अभी जो ये माहौल दिख रहा है आपको, धुंध लगा हुआ है, और बता दें कि थोड़े दिनों पहले बारिश हुई थी, बारिश के होने से जो है प्रकृति ने राहत दिखाई थी, और उस राहत के बदौलत जो है दिल्ली में प्रदूषण जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन पटाखों की आवाज़, पटाखों की धुएं ने फिर से एक बार दिल्ली को धुंधला कर दिया है और दिल्ली में प्रदूषण फिर से बढ़ गया है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्री नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।